हम बिग बॉस सीजन 16 के एक्स कंटेस्टेंट और दलजीत कौर के एक्स हस्बैंड रहे शालीन भनोट ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में किया है ये बड़ा खुलासा। शालीन भनोट ने पहली बार तोड़ी है चुप्पी, दलजीत की दूसरी शादी और अपने बेटे को लेकर कह गए ये बड़ी बात। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको बता दें शालीन भनोट की एक्स वाइफ दलजीत कौर निखिल पटेल के साथ शादी कर चुकी हैं और वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। इसी के साथ अब टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में शालीन ने कहा कि मैंने अपनी बीवी से बात की जो कि मेरी एक्स बीवी रही हैं, वो अब निखिल के साथ अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना चाहती, मैं बेहद ही खुश हूँ इनकी फ्यूचर के लिए और इनकी सारी ही विश पूरी हो, आई विश हर ऑल हैप्पीनेस फॉर द फ्यूचर। इसके साथ साथ शालीन ने आगे बात करते हुए ये कहा कि मेरी उनके हस्बैंड और उनसे अच्छी ट्यूनिंग है लेकिन मैं उनसे ज़्यादा मतलब नहीं रखूँगा क्योंकि अब वो अपने लाइफ में आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन मैं उनसे सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट हूँ अपने बच्चे जॉर्डन को लेकर। आई एम इन टच विद माय सन ऑन द वे, आई रिमेंडेड कनेक्ट विद माय अदर फैमिली मेंबर। इसके साथ साथ शालीन भनोट ने ये भी कहा मेरे मॉम और डैड ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और मेरे भाई और बहन भी जॉर्डन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं जॉर्डन से हमेशा से ही कनेक्ट रहूँगा। और इसी के साथ साथ दलजीत भी मेरे साथ पूरा कॉरपोरेशन कर रही हैं, तो साफ तौर पर दलजीत की आने वाले फ्यूचर के लिए गुड विश किया है शालीन ने। और शालीन ने ये भी साफ कर दिया कि दलजीत से रिश्ते ज़रूर उनके ख़त्म हो गए हैं लेकिन बच्चे की वजह से वो दलजीत से हमेशा से ही कनेक्टेड रहेंगे। फिलहाल आपका क्या है ओपिनियन, लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब।